अज जी स्टार्ट अपना एक्सल का पहला चैप्टर। ये आप सीखोंगे भी ये अपने किमें काम करना है। ये अपनी वर्कबुक है, ये असी किमें काम करना है। देखो ये छोटे छोटे सैल बने हुए हैं, इन्होंने तो आप कहें सैल, ठीक है जी। अगर ये आ गए अपने कॉलम्स हो गए, रोज हो गए, और ये देखो ए बी सी डी है ना, 1 2 3। ये हर एक सैल का कोई ना कोई नाँ है। ये क्यों आ, ये अगे जाके अपन पता लगेगा जो असी फार्मूले वगैरह यूज़ करा, उस टाइम सानू पता लगेगा कि इन्हों की वैल्यू है इतने, ठीक है जी। जिमें कि यह सैल है, यदा नाँ है C5, ये साड़ी फार्मूला बार, ये साढ़े टूल्स है होम पेज के, जिमें कि कट कॉपी है ना पेस्ट, जिमें कुछ काफ़ी ऑप्शन का तुम उ जिमें MS वर्ड के पहला यूज़ कितिया होंगे उ बाकी डिफरेंट है। देखो एक्सल दे फार्मूले हैं, असं किमें काम करना है, ये डाटा एंट्री वगैरह या होर किमें करना है, वो स्टैप बाय स्टैप थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें जरूर दसागा ये, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं जी। थोड़ी जी जानकारी ये बारे किमें है, किन्ने एक थोड़े रोज़ होंगे, किन्ने एक सैल होंगे, ये कीबोर्ड के कंट्रोल प्लस अपना राइट एरो नाल प्रेस करेंगे सानू सारे कॉलम्स किन्ने वो दस दूगा, और कंट्रोल डाउन एरो दे नाल असीं दस दूंगे भी किन्ने रोज़ है, सारी उन्हें गिनती किन्नी का सारी आ जाएगी ये। और जी जिमें असी कुछ लिखना है, कोई अक्षर कोई करैक्टर तुम टाइप करोगे, ठीक है जी। ये मैं थोनों छोटी वैल्यू दे विच पा के दिखा रहे हैं ताकि चंगी तरह सानू समझ लग जाए, थोड़ा जूम आउट कर दिए। और हुण इहदे च की है, ये 45 थोड़ी वैल्यू, इहनू अगर मैं कोई इफेक्ट देना पवे बोल्ड अटैलिक अंडरलाइन वर्ड च, वैसे तुसीं कीता है ये सारा उदा ही है सेम। अगे इहदे च की काम करना है, किवें काम करना है, वो देखिए फार्मूला लगाना जी। मैं स्टार्टिंग दे विच है जी, फार्मूला लगाने आ रहे आप इनू प्लस करना है इज इक्वल टू, कोई फार्मूला है तो बिना ये आप स्टार्ट नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते। ये आप फार्मूला लगावे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में शुरू करो फर्स्ट वैल्यू। देखो कई एक मैं तुम्हें दस दवा, वैल्यू के सू सैल नंबर देना है, मान लो 4 5 है ना, 45 असी उसनों प्लस करना है, 5 दो साढ़े को वैल्यूज है इन्होंने प्लस करना है, तो असी वो वैल्यू की लोकेशन दसनी है कि 4 5 वो कितने पे है, किस सैल च पे है, क्योंकि हर एक सैल का कोई ना कोई ना है, वो किस सैल के पे है। जदों असी उसकी लिखण का वह वारी आती है तो तुम उसे क्लिक कर देना है। अगर तुम समझदार देखो C4 यदि वैल्यू ये है इस टाइम 45 की, तो तुम C4 टाइप भी कर सकते हो, देखो सिलेक्ट हो गया। उस तो बाद प्लस का साइन C5, ठीक है जी। ब्रैकेट नू करना बंद है और प्लस एंटर प्लस प्रेस करना है जी, इसका आंसर आ जाएगा थोड़े को। देखो ये दोनों तरीक़े ना मैं तुम्हें दिखा दिना, समझाना 4 5 और 5। अगर मैं फार्मूले दे विच लिख देना SUM सम ब्रैकेट शुरू पूरे, मैं 4 5 प्लस 5 ब्रैकेट बंद एंटर, देखो आंसर सेम है। इतने फर्क की सी, दोनों का आंसर तो सेम है क्योंकि सारा फार्मूला थोड़े इतने सही है, बट बाद दे विच अगर तुसीं इहनूं एडिट करोगे या कुछ चेंज करोगे ना, थोड़ा चेंज नहीं होएगा। जिवें कि उरे फॉर एग्जाम्पल मैं 55 कर देवां तो उरे 100 होना चाहिए, वो आंसर अपने आप चेंज हो गया। अगर मैं इत्थे 55 करूँगा वो आंसर चेंज नहीं होना, क्यों, क्योंकि जिहड़ा असीं फार्मूला इत्थे यूज़ किया है ना, इहदे च जो मैं फार्मूला यूज़ किया है, तुसीं फार्मूला बार दे विच देखो, इत्थे मैं वैल्यू दित्ती है C4 प्लस C5, और इत्थे थोड़ी जो इतने वैल्यू आ जो थानू डिस्प्ले हो रही है वो कोई भी होवे, वो थानू देख रही है ना 45 55, वो आंसर 50 नहीं है, क्यों, क्योंकि असी फार्मूला बार है, असी फार्मूले दे विच लगाया 45, यानी कि 45 प्लस 5 है ना, 45 जमा 5, ताकि उन्हें आंसर उन्ना ही दिखाना है, इतने कोई भी होवे। इस करके अपने ज़्यादातर कोशिश यही करनी है, जदों भी कोई फार्मूला यूज़ करना है तो असी
सेल का नंबर देना, वो वैल्यू दसनी है की आ, वो सेल की ना वैल्यू फिल नहीं करनी भी, वो 4 5 45 लिखा है 55 लिखा है, वो नहीं फिल करना, असी सेल का ना ही दसना है C4 C5 B8 जो भी है वो, ताकि बाद वैल्यू चेंज करोगे थोड़ा आंसर च कोई फर्क नहीं पेगा, वो आंसर अपने आप करैक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया प्लस। ऐदा ही तुसी कर सकते हो हुण माइनस। ठीक है जी, ये छोटी वैल्यू मैं दसूंगा, छोटी वैल्यू बी किवें है तो थोड़ा ईजीली समझ आ जाएगा। बाकी प्लस का एक होर है, ये दो रकमों का प्लस सी है ना, अगर असी दो तो वध रकमों का करना है, हालांकि इन्हें शॉर्टकट्स भी होंगे हैं, ये हम दो या दो तो वध रकमों का अगर असी प्लस करना है ना, असी फिर ये फार्मूला यूज करता यही करते हैं, सेम ऐदा ही है, इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट शुरू, और फर्स्ट वैल्यू केड़ी है जी, D9, D9। ठीक है जी, ऐदा दो बिंदु लगा के तुसी उस तो बाद अगे उरे प्लस का साइन नहीं लगाना। ठीक है जी, उस तो बाद अगे जगा के तुसी सेकंड वैल्यू यानी कि लास्ट वैल्यू देनी है, प्लस ब्रैकेट बंद कर देनी है, एंटर, वो आंसर आ जाएगा, और हुण इहदा फार्मूला देख लो, ए आ बस, सिर्फ प्लस का साइन तुसी इतों हटा देना है। हुण वो दसेगा D9 तो लैके D12 तक जिनी भी वे रकम है ना वैल्यूज है उन्होंने सारियां का प्लस कर दूंगा। हुण आ गई जी माइनस करन दी वारी, असी हुण इहनू माइनस किवें करना, दो रकमों का जो भी है 50, और दूजी रकम असी कर लीए, सॉरी इत्थे कर दें 50 और 5। ठीक है जी, हुण ऐदा सेम उदा ही है, इज इक्वल टू तो स्टार्ट करना है, फर्स्ट वैल्यू A10 थोड़ी है ना 50, A10 माइनस द साइन, और सैकेंड वैल्यू थोड़ी A11, एंटर, थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इदा का तुम माइनस का, ऐदा ही हूँ मल्टीप्लाई, बी नू असं इन करिए 5 ना मल्टीप्लाई। ठीक है जी, सेम उदा ही है, इज इक्वल टू थोड़ी वैल्यू फर्स्ट, मल्टीप्लाई का साइन ऐसा करना, तो मल्टीप्लाई का साइन पर क्लिक करना है, और सैकेंड वैल्यू और दैन एंटर, ये थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐदा ही डिवाइड करना है, वो की इज इक्वल टू, सॉरी पहला वैल्यू 100, इनू असी 5 नाल डिवाइड कर दिए, इज इक्वल टू ये थोड़ा सैल नंबर आ जाएगा C16, और उस तो बाद डिवाइड द साइन, और इसनों जिस नाल तुसी डिवाइड करना उस सैल पर तुसी क्लिक करके भी वो सैल पिक कर सकते हो, और सैल का नंबर तुसी चूज टाइप भी कर सकते हो, और दैन एंटर, थोड़ा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये थोड़ी मतलब स्टार्टिंग है हाले। ठीक है, ये वर्कबुक है थोड़ी, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, तुसी अगे एक फाइल थोड़ी एक ही रहनी है बुक नंबर 2, ये तुसी अगे शीट इंसर्ट भी कर सकते हो इस साइन तो। ठीक है ना, इतों इंसर्ट कर सकते हो, तुसी शीट नूं नाम भी दे सकते हो, नाम च राइट क्लिक करो, अगर किसी नूं हाइड करना उन्हूं रीनेम, रीनेम ते क्लिक करो, इहनूं तुसी दे सकते हो ABC जिदा नाम देता एक, और सैकंड ते क्लिक करो, इहदा ये नाम आ गया, और इहदा कलर चेंज करना है। ठीक है जी, इहनूं अगर डिलीट करना है, रीनेम द्वारा नेम चेंज करना है, एक होर इंसर्ट करनी है इत्थे टाइप कलर, अगर तुसी इहनूं कोई कलर देना चाहते हो तो देखो कलर इदा आ जाएगा, जो मैं अगली शीट दूंगा तो करो इदा, हर एक शीट का कोई ना कोई तुसी कलर रीनेम इदा शीट इंसर्ट कर सकते हो, और उस तो क्लिक करिए फाइल थोड़ी जी जिदा असी सेव करना है, सेव पर क्लिक करोगे तो थोड़ा पूछेगा भी तुसी अपनी फाइल में कितने सेव करना है। ठीक है जी, तो तुसी अपनी वो लोकेशन दे के जो तुसी फाइल में ना देना चाहते हो वो तुसी अपनी फाइल में ना दे सकते हो। ठीक है जी, अगर तुसी फाइल में कोई ना नहीं देंगे तो वह बुक 1 बुक 2 जो भी उत्ते लिखा होएगा वो नाम अपने आप पिक कर लेंगे, तुसी अपनी फाइल में सेव कर सकते हो इतों, ये थोड़ी ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट सेव एज, ये बारे भी थोड़ा अगे थोड़ा पता ही है, जिम्मे MS वर्ड के पहला किया होगा है ना, उदा ही है प्रिंट प्रव्यू, प्रिंट क्ढन तो पहले एक बार प्रव्यू देख लो। हाँ एक चीज़ होर, हूँ तुम जो ये काम किया है ना एक्सल के इस शीट के उत्ते, हूँ देखो ये थोड़ा ये बॉक्स ये टेबल बनया हुआ दिखता है, बट प्रिंट के टेबल शो नहीं होएगा, वो थानू अगर टेबल चाहिए थोड़ा उन्ना एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा जिन्हें थोड़ा वो टेबल चाहिए, और इतों तुम्हें उन्होंने ऑल बॉर्डर से क्लिक करके तुम उन्होंने तो फिर इदा टेबल देना है, फिर प्रिंट प्रव्यू देखोगे जिनी चीज़ सिलेक्ट की है उन्होंने प्रिंट प्रव्यू चुने बॉर्डर आ जाएगा इदा। ठीक है जी,
ਅੱਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ।